आपका नाम क्या? मेरा नाम फैजल है। फैजल, आप कितने टाइम से सीखा दे कार? मैं 7 साल से सिखा रहा हूँ यहाँ पर। 7 साल से? अच्छा। और आप? 7 साल से मुझे एक्सपीरियंस है इसका सिखाने का। ओके, 7 साल का आपको एक्सपीरियंस है सिखाने का। तो अगर कोई बिगेनर आता है यहाँ पे सीखने के लिए, तो आप लोग कौन सी चीज का ध्यान रखने के लिए उनको बोलते हैं कि ये जो चीज होती है वो स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी चीज होती है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्ण। केम छो, कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मोटर ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी कैसे सिखाते हैं, उन लोगों के पास कौन सा पैंडल होता है जिससे वो लोग भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मेरी दीदी ड्राइविंग सीख रही है, यानी ऑलरेडी रिस्की बात है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी हिम्मत देख लेते हुए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक क्लच और एक ब्रेक एक्स्ट्रा होती है, और जो दीदी के पास एक्सीलेटर, ब्रेक और जो क्लच होता है वो यहाँ पे इनके पास भी एक एक्स्ट्रा होता है। ये सब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे कि हम बैठने का तरीका बता दूं, जैसे अपने सबसे पहले तो कोई भी किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे अभी ये बैठे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको सीट पीछे बोला था, यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक रोड आता है जिसे हम सलिया, ठीक है, रोड है, उसको हमें खींचना है, जैसे ऊपर करना है, करो, ठीक है, इसको ऊपर उठाना, एक हाथ अपना करो मैं, एक हाथ स्टेयरिंग पर रखना है और एक हाथ अपना रोड पे, उसको उठाना है और स्टेयरिंग को पकड़ना है, ठीक है, उसके बाद हमें सीट एडजस्ट करना है। ओके, पहले नीचे वाली सीट अपने जो बैठते हैं ना इसको एडजस्ट करना है, इसको उठा के थोड़ा सा आगे ले, इस तरह से हमें आगे लेना। अब ये चीज करने के बाद हमें टेगा भी एडजस्ट करना है, जैसे हम टेगा देते हैं, अपने राइट साइड में तुम्हारे यहाँ पर एक रोड, वहाँ पर स्विच है, देखो इस साइड, उस साइड से बता, इस साइड एक स्विच होती है, इस साइड पे यहाँ पर स्विच है, इससे हमारा क्या है, टेगा जो होता है बैलेंसिंग, कंफर्टेबल हम कैसे बैठ सकते हैं, ऐसा पहले सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीट एडजस्ट कैसे होगी ये भी अपने को पता चलना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज है, जैसे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ठीक है, दिख रही है यहाँ पर, हाँ ये तीन चीज है, ठीक है ना, तो जैसे कि ये पहला वाला है, ये क्लच है, देखा, ठीक है, अभी इसको दबा देना है, ठीक है, अब ये अपना पूरा दब रहा है, ये दे चेक करना है, ठीक है, अब ये दबने के बाद पूरा सा, अभी छोड़ना कैसे वो भी देख लो, अगर नहीं एडजस्ट होता इसी तरह सीट एडजस्ट आगे लेना, ठीक है, थोड़ा सा आगे, पैर हमारा ना पीछे आएगा ना ऊपर उठेगा, जैसे कि अभी एक क्लच दब गया, दबा दो, थोड़ा सा धीरे धीरे छोड़ा छोड़ा छोड़ा, बस इसी तरह हमको चेक कर लेना है, तब हमको पता चलेगा कि हमारी सीट एडजस्ट हो गई है, ठीक है, इसके बाद हमें सीट बेल्ट लगा लेना है, हमें राइट साइड में एक सीट बेल्ट, इस तरफ सब ना सीट एडजस्ट करने के बाद हमें सीट बेल्ट लगा लेना है, सीट बेल्ट लगाने के बाद ये हमारी होगी हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ओके, ठीक है, इसको अभी हमें स्टार्ट, इसको उतारना नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, ये हमारे सीट एडजस्ट, सीट बेल्ट हो जाने के बाद हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाने के बाद, क्लच दबा देना है, जैसे मैंने अभी बताया था क्लच दबाने के लिए, क्लच दबा देना है, उसके बाद हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमें हैंड ब्रेक चढ़ानी है, वो इसलिए ताकि हमारी बंद गाड़ी होती है उसमें जब हमारी ब्रेक नहीं लगती ब्रेक लॉक हो जाती है, ठीक है, जो मैंने तीन चीज बताई ना नीचे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, इसमें मेरी जो ब्रेक होती है वो ब्रेक नहीं लगती है बंद गाड़ी में, तो सबसे पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें पार्किंग ब्रेक को नीचे उतार लेना, ठीक है, उसके बाद हमें
गियर में डालनी है, ये हमारा गियर है ठीक है, क्लच दबा दो, क्लच दबाने के बाद ही हमें गियर को यूज करना है, क्लच नहीं दबाएंगे तो हमारा गियर पड़ेगा नहीं ठीक है। इसे हमें जैसे देखे ये बताना है, जैसे फर्स्ट गियर में डालने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है ठीक है, तो इस तरफ और ये आगे ठीक है, अगर इस तरफ नहीं करते हो तो ये सीधा ऊपर भी थर्ड गियर है और यहाँ पर करने के बाद फर्स्ट ठीक है, तो इसको पूरा बराबर करना है, अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर थर्ड गियर में चली जाएगी और गाड़ी जब तुम चलाने जाओगे क्लच छोड़ोगे ठीक है तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तो इसलिए आपको इस तरफ और ऊपर, ये आपका फर्स्ट गियर, अगर फर्स्ट नहीं होता है, अगर सेकंड भी होता है या थर्ड होता है या फोर्थ होता है तो अपनी गाड़ी बंद हो जाएगी ठीक है। तो ये सबसे पहले तो मैंने आज बता दिया बैठने का तरीका ठीक है, इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको जैसे कि कल कैसे गाड़ी चलती है जैसे ठीक है।